Ama ben adam kurabiye sağladı. Ama bir türlü de ahiyanemi hüsle. Ama abi o zamanla nirak gitmeyeceğimi hüsmele. ये रोने वाली ज़ईफ़ुल उमर खातून बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जीना की नवासी खुर्शीद बेगम हैं। बानी पाकिस्तान का ख़ानदान 1998 को उस वक्त मंजर आम पर आया जब खुर्शीद बेगम के नौजवान बेटे सिकंदर अली जीना को पुलिस हिरासत में कत्ल कर दिया गया। हमने निकल भी नहीं किया था, हम ऑन है। हम बचपन से अपने नाना की मजार में जाते थे। फिर मेरा बेटा मैट्रिक पास करके बड़ा हुआ तो वो कहने लगा अम्मी मैं भी जाऊँगा, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो वो गया 25 दिसंबर को और 9 जनवरी को उसको मार दिया। कायदे आजम की बहन शीरी जीना खुर्शीद बेगम की नानी थी और बानी पाकिस्तान इस खानदान के हर फर्द से मोहब्बत रखते थे। कायदे आजम ने अपनी तमाम फैमिली को फुल सपोर्ट दी और इसके बाद क्योंकि कायदे आजम की अपनी औलाद जो है वो सिर्फ एक ही थी, वो बेटी थी जो कि मतलब पाकिस्तान नहीं आई। बाबा कौम की नवासी खुर्शीद बेगम आज भी अपने कत्ल होने वाले बेटे को याद करती हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। हमें झूठ नहीं बोला, हमें उसे नहीं चाहिए, हमें उसे नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मौसी ने पाकिस्तान का खानदान इंसाफ का तलबगार है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इंसाफ ताखिर से मिले तो इंसाफ के जिम्मे में शामिल नहीं किया जा सकता। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ शेख महमूद, ARY न्यूज़ कराची।